सानू साढ़े वीर ने बुलाया मैनू कल भी हकीम ने आखिया कि अपने प्यू नू आ इलाज नाल बता परहेज करे ते साडा प्यू साडी मंदा ही नहीं है लस्सी भी पी लैंदा ते गन्ना भी चुभ लैंदा अगडो रानी तू ती ये हकीम नहीं छड़ दे ले हकीम दा कोई प्यू बीमार है बीमार अब्बा ते साडे घर है ओदे घर ते दवाइयां होंदियां ने ते खाली खाली प्रेस प्रेस तैनू दसनी है तू साडी मंदा ही नहीं है हां अपने लाले नु जो कहिए ओ साडी मन लैंदा है देखिए ना अब्बा लाले ने फिर आवाज मारी है मैनू उड़ीकदा होना मैं हुण चली हां ये अन्नी हो गई है पागल हो जानी है चाचा लिया मेरे वीर की दाती ते कई फड़ा चटी करना ओ कुड़िए दरीर कई बना के मैं मक्खनों दे हाथ तेरे वीर नु काल देती है बड़ा ही प्यार सु वीर नाल रब्बे दे वीर दी हयाती करे मखनो आज मैं बड़े ढेर सारे काम करने ने चौधरी का काम ही नहीं मुकदा अजय तो मैं अपनी पहली विवाह नहीं नाले गुड्डो ने रोटी लेके आना है हूं तू जा तेन गुड्डो ने बड़ा प्यार आहो मखनू गुड्डो का प्यार ही तो मेरी जिंदगी है उदे दम नाल ते आने वाले चंगे दिनों के खाब प्या वेखना इन समय लै असी दोवें एक जिसम के दो हिस्से हाँ साडा ना हीरा ते गुड्डो नहीं खून ते पसीना है गुड्डो ते तेरी भैन है हीरा कदी ओदे वालों मुंह मोड़ के साडे वाल भी तक मखनो ए की कहते हैं मखनो जा चली जा चली जा हीरा मैंने मिले जाया कर मखनो मैंने मिले जाया कर एवो जी गल की थी तेरा हेठों जमीन कर दी थी चली जा भाईया जा चली जा साडा दिल तोड़न वाले अल्लाह करे तेनु सांप लड़े पागल होवे ते लाला मखनो आई सी आहो मैं उन कैसी थे ना आया करे ले ऐवे ना आया करे मैंने ते बड़ी चंगी लगदी है मैंने बड़ी प्यारी लगदी पर असी ते तेरा ब्याह ओदे नाल ही करना है पर मैं ओदे नाल ब्याह नहीं करना क्यों नहीं करना पहले मैं तेरा ब्याह करना है इसलिए के तू बड़ी शैतान हो गई मेरे वीरो मैं ताड़ी रोटी का भी इंतजाम कर दिता है भूखे खाओ ना हूं गुड्डो भाई तेरे नाल बहुता प्यार करना चंगी गल नहीं इसलिए कि तू पराया ताने तेरा ब्याह हो गया ते फिर तेरे बगैर मैं कल्ला किस तरह जीऊंदा रहूंगा Thank you.
लाला। कुछ नहीं गुड्डू, कंडा चुन गया। मैं रोटी खा ली, तू कार जा, अब उड़ी जाना जा। तू मलूम हुंदा सब बहुता ही जरीला सी, तेरे वर्गे जवान भी त्रेली आ गई है। वो पुत्रा सोच समझ के काम करया कर। ये सब सोच समझ के लड़ाया चाचा। खबरे की प्या कहना है भाई, तेरिया गल्ला दी सानू समझ नहीं आउंदी। सुनिए चाचा, कोई जहरीली शहर लड़ जाए कि ओदे जख्म सड़न नाल जहर भी सड़ जांदा है। आहो ते फिर लोया गर्म कर। ओ ना होए पुत्रा, दुआ जो मंगाइए हुने आराम आ जांदा है। दुआ भी पी लांगा चाचा। तू भैया गए इस पिंड के मालिक ते साडे हाकम आ गए ने। सलाम चौधरी जी। और तू क्यों नहीं उठा? पैर सब लड़ गया। और ध्यान नाल पैर रखिया कर, नीवा आदमी होके साडे शमले जिहड़ा उच्चा देखण दी आदत पै गई तैनू। वो इत्थे हो जे सप्प ने लड़ जाए तो पानी नहीं मंगन दिंदे। ए तेरे नाल अख मिला के गल कर लग पिया चौधरी, इनू दसीए और सप्प दा डंगिया दे कम कर सकता है पर साडा डंगिया दूजा सह नहीं लैंदा। नहीं नहीं नहीं, ए साडे नौकर दा पुत्तर है। ओए ते की, इहदा प्यो भी साडे नाल अख मिला के गल नहीं कर सकता। ओदे गल च साडी गुलामी दा पट्टा है, ते जदों चाहवांगे ओह पट्टा ला के इहदे गल च पा देवांगे। अब्बा भाईया, तू ते दवाई पी। हां तेरे पुत्र नाल ते असी गल ही नहीं करनी। पर गल क्यों नहीं करनी सिर सड़िए? इधर आ ना। मैं नहीं आना। ठीक है, फिर तू नहीं ना आना। सड़िए असी रो पांगे। मैं हां असी हुण तक रो रो के मर जाना सी, तू सानू दस्या क्यों नहीं कि तेनू सप्प लड़ गया सी? इसलिए नहीं सी दस्या कि तू रो रो के मर जाना सी, ते मैं याद कर करके मर जाना सी। पर मैं एवी नहीं सी मरना, उस वेरी सप्प दे सारे खानदान नु मार के मरना सी। पता लग जाना सी उस सप्प नु किसे भैन दे वीर नु डंग किस तरह मारीदा। अच्छा अब्बा, ओ सप्प कमीना सानू लड़ के मर भी गया, ते तेरी धी साडे नाल अजे तक भी लड़दी है। साडी सुलह करा दे पा। चलो बेईमान, साडी गुड्डो राणी बड़ी बीबी धी है, चल मेरा पुत्र अपने वीर नु जफी पा। अब्बा पहला तू इहनू इह पुछा, जे इहनू कुछ हो जांदा ते सारे जहान साडा होर कौन सी? एक बुड्ढा प्यो ही है ना, उहने जवान धी दे सिर ते छां की बनी, उहदा ते अपना परछावां कमदा रहिंदा। गुड्डो बहुतियां सियानियां गल्लां ना करिया कर, मर जाएगी। बस बस रहन दे, मैं तेरे लिए कालिया मिर्चा ते घ्यो गर्म करके लियानी। यार पुत्रा, पहले ते बीमारी विच भी मैं चौधरियां दा काम करन तुर जांदा रहा, अज तैनू मंजी ते पिया वेख के सच्ची गल मेरे विच ते टुरन दी हिम्मत नहीं रही। पता ही क्यों? जिस घर विच जवान पुत्र साह लैंदा होवे, ओदे जवान साहां दी हवाड़ नाल मेरे वर्गे बुढ़े प्यो दी उम्र दे साल वध जांदे। अब्बा, तू ते एक किसान पुत्र दे सिर दी छाते डोलिया ना कर। गरीबी, कर्जा, जवान दी ते गैरत, ए चारे दुख जिस प्यो दे सीने विच होंदे पुत्रा, ओ बीमार ना वी होवे ते टुरदे फिरदे सोचदे दे पैर उखड़ जांदे। अब्बा, ये चार दुख ते मैनू भी प्यो वल्लों विरसे च मिले ने, ते अज एक नवे दुख का एहसास होया। वो दुख तेरा बुढ़ापा
ते बुढ़ापे च चौधरियों की गुलामी। ओए चलिया पुत्रा, गरीबी ते गुलामी सदियां तो साडा मुकद्दर बन गई। हिम्मत नाल मेहनत करने वाले मजदूर अपना मुकद्दर आप बनाते ने अब्बा, ते सदियां तो ये गुंगी धरती भी किसान दा खून पसीना अपनी छाती च नहीं लुका सकती, सोने रंगियां फसलां बार कट देंदी। जीउंदा रहो पुत्रा, रब तेरी इस मेहनत दी आप राखी करे। ए बुढ़ा शरीर तेरे वर्गी जवान गल किस तरह सोच सके। की गल है यार, सुस्त हो गए हो, कम करने जी नहीं करता? जेड़े काम सप की वजह नाल रह गए ने अजे वो भी पूरे करने ने। तुझ से मेरिया बाहां हो, मेरे यार हो, मेरे भरा हो, तगड़े हो जाओ। कदी कदी तो साडा जी भी काम करन नहीं करता। असी गरीब किसान साड़ी ते अपनी मेहनत अपने मोढ़ियां ते चुक के हवेलियां च सुटाने, ते जगीरदारां दे गोदाम पाते ने। पर मैं की सोचन लग गया यार, हसदिया गंद काम करदिया ये रुत बदल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं पता है मखनो, मैं चंगी तरह जानना तेरे से क्यों आई, पर वो आस मैं तेन कि ला दिया जेड़ी मैं पूरी होंगी ना कभी आती। झूठे मुंह अपनी एक बार आख दे सारना, आस भी पूरी हो जाएगी, साढ़े लिए अच्छी आदत बदल जाएगी। तू शायद समझ नहीं है कि मेरे सीने च दिल है। एक गल नहीं मखनो, एक प्यार करने वाला दिल भी है, ते उस दिल च कोई वसदा भी है। सच पूछे ते ओदा नाम मखनो है। सच्ची उन्होंने इशारियां ते काम करना और सोचण के लग पे। कुछ नहीं जनाब, काम करा। मैं तो तेन एक बोतल लिया ले क्या सी, ते तू दो लै आंदियां ने। सोचा सी इस तो बाद भी तुसी ये कोई काम कहना, दोवे रख लो जना। ओए डरी बहुता गया चौधरी। और तू फिक्र ना कर, मैं तो हुने डर ला लेना, लासी शराब पा। चौधरी जी मैं कदी नहीं पीती। और साडा हुक्म है आज जरूर पी। पहला ये दसो ताडा ये हुक्म मेरा प्यो ही मानता सी। असी हुक्म कदी दिता ही नहीं सी। फिर मैंने भी ये हुक्म ना दियो चौधरी जी, जे मैं पी ली ते फिर ताडे मेरे च कोई फर्क नहीं रहना। मैंने ये भी पता है कि इनू पी के आदमी उका तो उच्चा हो जाता। और तेरे पुत्र ने साडा हुक्म नहीं मनिया। मैं आखिया से शराब पीते ने नहीं पीती। मेरी नौकरी ते आया सी चौधरी जी, मैं कभी नहीं पीती है, किस तरह पी लेंदा। असि तेरा पुत्र समझ के माफ किए गरीबू, दबा हो जा। चल ही रहा मेरा हुक्म ही रहा, कर चल। Thank you.
आईया ये टोके दीवार साढ़े सीने से क्यों पिया करने। मैं ते अपनिया मजबूरिया दे डकरे पिया करना अब्बा जुड़ी हाथ नहीं टप्पी अपना हाथ रोक लिया तेरी थां ते खलो के मैं ते अपने में नहीं रहा अपना छत कहन वाले पुत्रा जो कंधे जिदे छत खलोती हुई है इस छत ते हुन रब ही राखा ही अबा मैनू इस कार दियां कंधा डोल दियां हुई नजर आंदियां रे मैं नहीं उडोलिया पर आन वाले इस भूचाल नू मैं नहीं रोक सकता हीरा मर के फुटो पर तेरा भरा नहीं मर सकता तेरा भरा नहीं मर सकता कली है दिल करदा घोड़े ते बैठे बैठे तेरे तोड़ लवा जी जी करदा तेरी खुशबू अपने तन बदन च रचा लवा ते मेरे च सारी जिंदगी तेरी खुशबू आती रहे मैं तेरी कोई बहन नहीं वे मां भी कोई नहीं मैं वे कोई प्यो भरा वड्डा रोकन वाला है कि नहीं अखा दे सामने तू है मेरे पीछे कोई भी होवे मैं मुड़ के नहीं तकड़ा तेरे पीछे कोई हाथ मार लेनी आज मार लेनी मैं भी अजय देखना चाहना कि तेरी आज पहला पहुंचती या मेरा हाथ तेरी बात पहला पड़ता है पहली आवाज ना तेरे रब ने सुनी है ते ना तेरे वीर ने दूजी आवाज मारनी ना दूजा रब मंगे ना दूजा वीर मंगे रखो लो ते ना ही दूजी आवाज मार रही है मैंने पछाड़ के क्या बदी है और तेरी पछाण ते मैनू मेरी इज्जत दे कराती है हूं मैं अपनी गल की पछाण तेनू करावांगा गुड़ा नहीं जे तुम मार दिता
मुंडिया इना चौधरी जै वे उच्चे बंदे अगे गुंगा ते बौला होके खलोवी। उसने मैं तेरी नौकरी ते नहीं साबा, किसान अपनी फसलों की राखी ते खलोता है। फिर फसलों की राखी कर दो, चौधरियां को भी वे बंदे को लौ लुआन क्यों कर दिता जी? समझ लै अब्बा, कुछ दिन होए ने एक सप ने मेरी भैन नू डंग मारन दा चारा कीता सी, ते मैं उहदा सिर फेरता सी। अज एक सप मेरी इज्जत नू डंग मारन लई वध रिहा सी, ते मैं उस कलगी वाले सप नू मार मार के उहदे घर तक पहुंचाया। ओ जिस हवेली विच पहुंचाया ही पता ही उत्थे कौन रहिंदे ने? उस हवेली च होर भी कलगियां वाले फनियर नाग रहिंदे ने। मैं चाहना जे मेरी मौत इसे तरह लिखी हुई है ते फिर मैनू मेरे प्यो की नसीहत भी नहीं बचा सकती। ओए चलिया पुत्रा, कोई प्यो अपने बुढ़ापे का सहारा टुटदा नहीं वेख सकता। मैं तेनू गुंगा ते बोला इसलिए कीता सी कि मेरी जवान धी की डोली का कहार जीवना रवे। तू मैनू गुंगा ते बोला कीता सी अब्बा, पर अन्ना नहीं सी कीता, ते ना ही मेरे हथां च जंजीरा पाईया सन। फिर जो कुछ मेरी अखा ने वेख्या, मेरे हथां ने उन्हां दा जे उन्हें अग सुटनी शुरू कर दी ते तेरी जिद तेन साड़ के सुआह कर देगी मुंडिया। जे मेरे रब ने मैनू बचाना है अब्बा, ते फिर वो अग नू भी गुलजार बना सकदा। साथ दिता है और मैं उन्हें थला कीमा कर देवगा जेड़े मेरे साथ यार उठे ने, और मैं उसे साफ पी जावगा जिन्हें मेरे यार ने साफ पीने का चारा किया है, और मैं उसके घर बार की फसल को अग ला देंगा जिन्होंने मेरे यार को जख्मी करके मेरे घर भेजे। मैं अपने खून जिले खूने लगे तेन बाहर नहीं जा देगा। जे तू हथ चुकया समझेगा मैं पुछ दिला, मैं अपने हथा उस दो दगे के मुजारे ये तो सोचना चाहिए सी जिसे उत्ते हथ चुक रहा है वह मेरा यार है। वहन वास्ते जमीन देवा तो मैं वो दो पीघे जमीन वास्ते पानी दे, मैं उन्होंने जोग ला के दे, मैं हौसला बद गया, मैं उसे साख डा जाऊंगा। और नहीं, उन्हें मेरे से वार किया, मेरा दुश्मन है, उन्हें मेरे से उधार चलाया, उसका उधार मैं लावांगा। जे तुहाडे तो किसी ने भी उसके हाथ चुकिया समझांगा कि मेरा दुश्मन हो नहीं दसी हो। फैसला सुनान च देर को कर दी है चौधरी। तू तो साहब दाई जा रहा चौधरी, सानू कुंगा आवाज साढ़े लिए ललकार बनती जा रही है। असी ओदी लाश लिया के तेरे पैर च सुट देंदे चौधरी, पर सानू तेरे साहब यार ने आख्या सी हीरा मेरा दुश्मन है, तुसा ओदे ते हाथ नहीं चुकना। ओए ओदे ते हाथ की चुकना, हाथ खिंच लवा ते फाके मर जाए। ओ कोले दे काठे पारो ए हूं, मैं हीरे को यहो जहा इंतकाम लवूंगा जिस मटियार तो चिड़ के मेरे पाऊ यार तो ने हप चुके, उस मटियार हथी लेके सवेली जाएगा। मेरे सावां दा मालक मेरा रब, ते जमीन मेरे अल्लाह दी, सिर्फ आसमान दा मालक है, जमीन दे मालक असी आ। मैं कहना जमीन ते आसमान च जो कुछ भी है वो मेरे रब दी मलकियत है, ते मेरा ईमान है उहदे हुक्म दे सिवा पता नहीं हिल सकदा। बहुतियां गल्लां ना कर, ते जो साडे वाले कर ते फिर भी अपने रब दी नहीं समझी, तेरे अंदर गोलियां किन्नियां लंघदियां ने। मेरे हलदारा छड़ के खलोए चौधरी,
मैं हल चलाने का हुक्म है, तू गोलियां चला। पैन मर जाए ते आग जीवे लक सौ वारी, वे इन्ने बंदे हाथ चुक के बदुआ करन ते आदमी मर जांदा। इन्हां ने तैनू मारन लई हाथ चुक लिया, जो खोल दे भी, जो खोल दे। ओ कुड़े ठीक कहंदी है पागल कामिया। ओए जोग मेरी है, ओए असां तैनू लैके दित्ती सी इत्थे कुछ आए तो बुलवाट। चौधरी नहीं बीते, नहीं मैं जोग वापस करांगी। चौधरी ऐ कौन होंदा इनकार करन वाला? जावे चौधरी अपनी जुग का। ओए असी इस जमीन दी हिक च तेरी दो बीघे जमीन नासूर समझनी है, गल करे जमीन दा की लेना। जोग ले लिया ते फिर चला जा चौधरी। ये ना पुल्ली जमीन किसान की मांग दी है। चौक ले चले, हल नहीं मान सकेगा, किसी दिन ऐसा भी मुल पा देना। मिठिया गोलियां खांदे सो ते आने वसूल करदे सो, मेरी मोहब्बत नूं बर्बाद करन ते तुल गए सो। भाजी मिला झूठ बोलदा, बेबे मैनू उहदे कोल दाल लैण भेजदी सी। क्यों काले दी बेबे, क्या तेरा पुकाने वर्गा मुंह है? हूं दाल लैण भेज दे सो इनू, मैं खवाना तुहानू कुकड़ ते छोरे। आप पुर फरेब तगाबाज मकार हसीना वेखी साड़ी शान, हुण दस की करां तेरा नुकसान। जी बदतमीज, बेबे नू समझा ते चौधरियां नाल किवें गल करी दी है, किवें प्यार करी दा ते किवें गुफ्तगू करी दी है। बाजी मांग लै माफी, क्यों नुकसान उठाने नाले ने सोने सोने कपड़े ते देवरा तो जा रहे। चौधरी जी मैनू माफ कर दो, हुण मैं कदी उस कमीने नाल गल भी नहीं करांगी। माफ कर दे पुत्रा। आसमान ने जमीन चुम लिया, असि तेनू माफ कर दे आ, पर एक शर्त है कि आइंदा तू साडे नाल बेवफाई नहीं करनी। कदी भी नहीं करांगी मैं तेनाल। आए सालिया केकड़िया ला बार फरियादी आए ने, उन्हें अंदर भेज। शेर आना, और डिग क्यों पिया? थक गया सा,
मां दे सीने नाल डोल आ रही सी। माशाला मैनु यकीन है तू ही वो जवान है। एक बारी मैं पहले भी इतों लग ते तू गारिया सै जिन्ना चिर धरती थले आसमान दे उन्ना चिर हल रुकदे नहीं किसान दे। पर उस जालिम जिम्मेदार साडी जोग ले जाके एहो समझे सन कि मेरे वीर दा हल नहीं चलेगा। पर वो लोग तुहाडी जोग क्यों लै गए ने? कर्जा देना सी साहब जी, ओह कर्जा जेड़ा किसान सदियां तो जिम्मेदार नु देंदा आ रहा है। असी लोग कर्जा देंदे देंदे मर जाने पर वो कर्जा फिर भी जीवंदा रहंदा है। समझ गया मैं, इस कर्जे दे पार ने जोग तेरी पंजाली विचों कट के हल दा बार तेरे मुंडियां ते पा दिता। आखो साहब जी, ये दो बीघे जमीन भी मेरी है, उना जालमा ने मेरी इस मां दा मुल पूछ लिया सी। तुसी चंगी तरह जानदे हो साडे गरीबां कोल दौलत नहीं होंदी, सिर्फ गैरत ही होंदी है, ते फिर मैं अपनी मां नू किसां वेच दिंदा। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखना जवाना जे तू कवे ते तेरी जोग दा बंदोबस्त मैं कर दियां। तेन मिलन तो बाद मेरा जी करता है तेरी कुछ मदद करा। साहब जी मदद करनी जी ते मेरे नालों भी बहुत गरीब ते कमजोर किसान तानू इस धरती ते मिलनगे, उन्हां दी मदद कर देना। तुसा ते मैनू वेख ही लिया जनाब, डंगरां नालों बहुता कम ते मैं आप ही कर लेना, ताकत वालों ते गरीब नहीं जे। गुड्डो चलिए। क्यों भाई? अस्सलाम वालेकुम भाई सर। वालेकुम अस्सलाम। भाई तू इतने जख्मी होके लम्मा पिया है कि सानू इतला भी नहीं दी कि मैं अचानक आ गया, तू कितना झगड़े इस इलाके च? भाई सर मेरे नाल कौन झगड़ा कर सकता है, मैं नवे घोड़े बैठा सा डिग पिया। घोड़े तो डिगन उठा नहीं आंदियां जिथे तू पट्टियां मरनिया हुई। मैंने यकीन है तू किसी झगड़े। बस तुहाड़ियां ये गल्लां मैनूं बिल्कुल चंगी लगदियां भाई साहब जी, इन्हां गरीबां दे ते मेरे सामने सिर नहीं उठ सकदे। इस धरती नूं मां काम मैंने जमीन उत्ते हल चढ़ा के समझा सी कि जिंदा रहेगा, पर मेरा नाम भी चौधरी निजाम है, इस इलाके का सारा पानी मेरी मलकियत है। यह भी सुन लो जवानो, पानी हीरे की पैरी नालों खह के लंघे पर उहदी पैरी नूं कतरा पानी नहीं मिलना चाहिए। और नहीं तो मेरा चौधरी मैं भी इहो ही चाहुंदा, पानी वालों सह के लैन दो फिर पानी तक भी दस देवे। मेरा नाम ही जंजाम है। दोवां ने मर से जाना ही ते रब दे वास्ते मैंने इजाजत दे, मैं भी इंदे हिस्से दा पानी इना जालमा को खोलवा। नहीं पिता नहीं, आज वेख दे सही तेरा किसान वीर इना दा लहू पानी च मिला के इस मिट्टी नू देगा, ते हली धरती पहले सुन दी सी फिर लाल उगलेगी। गूंगी मां अगे रोन लग पे, बोलन वाली भैन मैं कुछ नहीं करन देंदी, कुछ नहीं करन देंदी। होंदिया मैं तेनू कुछ करन भी क्यों दिया? जिहड़ा जमीना ते आसमाना दा मालिक है मैं उन्हूं आवाज मारनी आ। रब्बा इकले भरा दी इकली भैन तेरे अगे फरियाद कर रही है, अज फिर एक यजीदी टोले ने तेरे मनन वालिया नूं आजमाया ही, वास्ता है तेनू तेरी जात दा। इन्हां नूं दस जिन्हां दा कोई नहीं आउंदा उन्हां दा थप्पड़ पाउंदा है रब्बा, हुकम दे अपनी अहमत नूं, हुकम दे अपनी अहमत नूं, हुकम दे। Thank you.
जे मेरे जा वीर प्रसाद दे बेबस तेरी राम दा साया ना हो असि एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। तेरी जोग का बंदोबस्त कर रहे हैं वो चक नंबर चार है ना वो जौड़िया नहर वाला जिथे दो नहर कट्ठिया इतने जाके चौधरी अब्दुल मालिक का घर पूछ ले मैं उसके साथ सारी गल कर आया मेरा पुत्र आएगा तू जो वो तेरिया फसल बहा दी पुत्र जड़िया उग पी ने कल जाएगा उन्होंने माल दे देंगे ये गल ठीक है तो तू फिर उन्हें छड़ापड़ लगा जा। अच्छा अब रख बाबा ए चक नंबर चार कितनी को दूर है तू क्यों घबरा गई है पुत्र आम तक जोग लैके तो वापस आ जाएगा एक डम डम ना होवे ते सी अक्का करो नहीं चीरी करता ओए मेरे मारो साहब जान वो कमीने ने समीन नो अपनी मार गया असे दी मां ना बोल पूछ रहे ओए तसो दी पैर नो समेल के रासी मां दी कीमत क्यों पूछे तसा ओ जे वासा साहब जान सिर्फ कला कर दियो मैं जड़ी गल वो कड़ेगा ओ तन पूरी करके बखावा ओ साहब जान कल फिर साढ़े मौत सी चौधरी चलते ना तो एक बोतल आप पींदे ने ते दो दो बोतल घोड़िया पिंदे ने और सानू एक शहर बुरा कर लेंगे हीरिया पुत्र नहीं अब्बा ती है चानू होया सी मैं समझा घर का दीवा घर आ गया होना टैम त्यार वाले पुत्र देखता है हीरा हाली जोग लेके वापस नहीं आया है। कोई गल करनी है तो मेरे नाल कर अब्बा उंज गल तो तेरी है पर तेरे नाल करने वाली ने ओ कमीनिया जंदे ल चौधरी पहला ये दस ओ बुढ़िया जे पुत्तों नु पीछे करके मैं तो पूछ ही नहीं तो फिर कल जे अपनी थी मेरे बोरी तो मैं तेरी तीन जाना से चुकलांगा चौधरी चौधरी आ के अपने पुत्र ब्रेका ला पाए मालक मैं भैन लाश तो लैके लगना बेगैरत मालका अपने प्रौने की जबानी एक ही कुआरिया से बुढ़िया पुत्र ना प्यू बन के देख ले जे मैं प्यू बन के उस गैरत वाले जवान नु एक बारी ललकार मार दी फिर ताडे ये उच्चे शमले ओदे पैरां विच होणगे ओए उस तो पहलो असी तेनू अपने पैरों की मिटा भी नहीं मगर बुढ़ो दरीजो पैर पार इसलिए कि मेरे साथ हाली तानी चो बाहर नहीं निकले नाले तेरा वीर कर नहीं आया बुआ बंद कर बुआ बंद कर लिया गुड्डो बुआ मैंने खुदा दे वास्ते माफ कर दे जिस थां ते खलो के तेरे को भूल हुई है उसे थां ते खलो के मैं तन सीधे राह पाता सुखी रहो यारा
कुटो चलिए। जनाब मैं अपनी बुढ़ी की मत ते लग के दानी तलाह देने वास्ते थाने पहुंच गया सी ते मेरे घर पहुंचने तो पहले हीरा इथों जा चुका सी। पर हुण ओह कित्थे गया? पर नहीं जनाब, तकदीर जिथे हुण लै जाएगी उत्थे ही पहुंच जाएगा जनाब। इहदा मतलब है कि हीरा इस इलाके च कित्थे लुकिया होणा। मैं उहनूं गिरफ्तार करने च जरूर कामयाब हो जाऊंगा। करके सोया कर, डंगरा वाला कार है। बुआ ते बंद है। की गल है थानेदार जी? एक खूनी का पीछा कर रहा है, इस मोड़ पे आके गायब हो गया। मेरा ख्याल घर में छुपया हुआ, मैं इस घर की तलाशी लाऊंगा। अंदर मेरा पुत्र सुता है थानेदार, ते मैं उन्हें कच्ची नींद रे कभी नहीं जगाया। नहीं जगाऊंगा। मेरी गल का यकीन नहीं सी आया थानेदार जी। ये मेरा फर्ज है मां जी। एक गल पूछना मेरा फर्ज भी है थानेदार जी। ये खूनी बड़ा ही खतरनाक आदमी है मां जी। वो कल ही मफरूर नहीं होया, नाल अपनी भैन ही लेके फरार होया। खतरनाक आदमी है मां जी। वो कल ही मफरूर नहीं होया, नाल अपनी भैन ही लेके फरार होया। थानेदार ने कहा सी तू बहुत खतरनाक आदमी है। तुहानू वेख के मैं थानेदार नू बुलाण लगी सा। थानेदार नू बुला लो मां जी, सानू वेख के गल क्यों करन लग पाया? पर मैनू ते तू खतरनाक आदमी नहीं लगता। खतरनाक ते मैं थानेदार वास्ते भी नहीं। पर उन्हें आख्या क्यों है? एक बेगुनाह नू होर की आख के बुरा आखन। तू बेगुनाह सै ते थाने क्यों नहीं सी पहुंचिया? थाने जांदा तेन किदे हवाले करता, एदे लई ते मैं अपने पियो दी बेगोरो कफन लाश छड आया। जाना किथे? मेरे दुखां दा सफर इन्ना कु लम्मा है मां जी, इंज लगता है जिवें मेरे सावां दा सफर मुक जाएगा, पर मैं अपने दुखां दी हद नहीं टप सका। मां जी तुसां जिहड़ा साथ दवाया मेरे दुखां नूं, मैं उहदा एहसान जिंदगी भर नहीं भुलांगा। आ गुड्डो भैन। ठहर जावे मुसाफिर पुत्रा, तेरे मां आख के मां दा घर पिया छड़ना है। मां हाली जिंदी है। पर मैं ते खतरनाक आदमी हां,
ਇਹ ਖਤਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦੇਣਾ ਆ ਜਾ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਆ ਜਾ समझ ले गुड्डो रानी मैं तेनू जमिया ते नहीं पर मैं मां बन के धी दे सारे चाह पूरे करांगी मेरी चंगी धी मेरी गुड्डो रानी हां ना कहवे तेरिया नजरां च पुत्तर दिया नजरां नहीं की भी कहनी कहंदी नहीं वे मुंडिया चाहनियां अज तो बाद इस घर भी जावी ते पहले बुआ खड़काई ते फिर खंगी मैनू पता लगे कि मेरे घर विच कौन आया मैं धी नू पर्दा करा लवां बहुत समान पुत्र तैन सलाम करता है मां अज पता लगा है कि रब ने मां नू एडा वड्डा रुतबा क्यों दिता है मेरा गुड्डो इंज लगता है जिवें तेरे दुखां दा सफर इस घर तो पिछे रह गया इसलिए कि तैनू मां मिल गई है आहो वीर वे मैनू इन्ना प्यार करती है जिवें मेरी सक्की मां वे अच्छा आहो जे तैनू मां मिल गई है ते फिर मैं अपने दुखां दी हद नू हाथ ला के मुड़ा प्यारे पानी प्यारी पानी प्यारे नहीं बाबे अच्छा पानी तेरे को मंगया है तो फिर मैं नहीं पिया सकती बाबा जी तुझे बुरा ना बनाना ऐ कुड़ी चली हो रही असी चंगी तरह जानने आ क्यों चली रही है इन्हें सानू पानी नहीं पियाया तेरे मन की बुरा कभी पूरी नहीं होएगी नहीं ओ तो कोलो माफी मांग ले बुजुर्गों की बादुआ बड़ी भैड़ी होंगी हो तो जिदे लिए तू चली हो गई है वो तेन कद भी नहीं मिलेगा मैनु माफ कर दियो बुजुर्गो जा तेनु माफ कीता ते अस तेरे दिल दा भेद जाननेया जिन्नू तू लभना चाहनी है ओ चक 14 दी चुदरानी दे घर हैगा ते जाके जिस वेले मर्जी मिल लई इक गल हो साडा वक्त जाया ना कर ते इस भेद दा किसे नु दसी ना ਤੁਸੀ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਚੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਮੰਗਵਾਵਾ ਲੋ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਓਏ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੀਅਲ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕੱਟ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਓਏ ਕਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੋ ਸੀ ਆਪ ਚੌਧਰੀਆਂ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗ ਨੇ ਯੱਕਾ ਜਾਂ ਦੁੱਕੀ बुजुर्गो एना कोई शराब ही मांग लो ते दिने भी पीन लग पे जे ओ फल्दी कमाई है तां की होया चौधरी ते चिट्टे महंगियां हो गई है जाओ जी चौधरी निजाम अरी किथे ने निजाम अकर निजाम दी गल पे कर रहे हो कल उसका निजाम था आज हमारा निजाम है तुम्हारा क्या नाम है मेरा नाम हीरा हीरा और ऐसी दे आप को नूर दे हीरे हैं साढ़े से चढ़ा हीरा टिक सकता है खाना खराब थे पुत्र मैंने कितने फसा देते ही ये तो बड़ा खौफनाक बंदा है दाम कितने जे पाजी निजाम ते जदों तुसीं ते गिट्टे गोडे तोड़े सन उदों अस्पताल विच पिया है ते भां भां पिया कर रहे जी रब नवाज जी मैनू कुछ लगा मैं बड़ा मजलूम हैगा जी अस्पताल चौधरी जे तू सहजाब हो गया ते तैनू हवेली चला जाना चाहिए थानेदार साहब मैं अपने आप नू इत्थे ज्यादा महफूज समझना जे हवेली चला गया जरूर आएगा असि भी यही चाहते हैं अस्सलाम वालेकुम पुत्र जी मैं आ गया केड़ा पुत्र है बाबा वो मैं तो तेन पछाने ही नहीं ये रिश्तेदारी कितों कर ली दस ना काका तेरा मेरा ऐ रिश्ता है Thank you.
सरदार जी वो इतने भी आ गए। हाले तुम मैं कहते हवेली जा, मैं जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाता मैं हवेली नहीं जी जाना, भावे मैं अमरनाथ च रखो। चौधरी तेरा हवेली जाना हुआ बहुत जरूरी हो गया, हूँ पता लग गया तो तेन हवेली लभन जरूर आएगा, असं वादा कर लिया कि तुम माँ ने साढ़े हस चुके नहीं तो अज तक सानू कोई सुटिया बया नहीं जगाती होंगी। मेरा लाला जय वीरा फिर मैं इतों चले जावगी, तू इतना ही रहेंगे तीए इनू करो बाहर मैं कटागी, चल मैं निकल इतो दफा हो दफा। आप बोल जिथे मरी ए मेरे प्यू ने तारे इतो तू निकल जा। मैं मारा सके तीए तो बाहर नहीं जाएंगी, मैं इस कमीने ने थां मुका दियांगी। लालू रुक जा, तेरे ने तो मैं तेरे गोली मार दियांगी। आए मां ने सिर्फ जाया पुत्र एक गोली नहीं मार सकती, और मैं ना दूध भी तो है आया ते दूध जदो फिट दे ओनू भी घर विच जुग के बाहर सुट दई दे। मां तेरे बगैर जिस्म भी तो वापस मोड़ लेगी, तो दूजा भरा मार दे। मरन वाला वीर जीवदा रहता। पहला पुलिस इत्थे बनाई सी ते अज इस विच दो कातल खलोते हुए ने मेरी दी। नहीं मां, मैं मां नूं छड़ के नहीं जाऊंगा। जिद न कर पुत्तर वे, जे तू इत्थे खलोता रहा ते जिस इसलिए मैं इस बेगैरत दा खून कीता ना वो इज्जत बच सकेगी ते ना असी दोवे मां पुत्र। कचना के जिस पुत्र ली सारी हयाती हाथ चुक के दवावां मंगदी रही है आज उसे पुत्र नु अपने हथे मार दिता ही। उन्होंने आके हत्था विच हथ कड़ियां पा देनिया ने, एतो टुर जा मां के एतो टुर जा। इसी जगह पर मम्मी उसको रूम से बाहर बुलाओ, पर्दा किस बात जो खुल जाए। आहो मैंने एदे कोल कादा पर्दा है, रजो नु बाहर बुला। अच्छा बहन वेरी गुड ब्यूटीफुल एक्सीलेंट। अरे ने कबर आया आओ शेख साहब, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ही आया हूं। बेबे ए आठ की बोरी अंदर रखा लो तुसी। मैं क्या तू की कुड़ी का फुफड़ लगना है? मैं दा होन वाला हस्बैंड यानी के मंगे तेरा। मैं क्या मंगेतर साहब एक घर का सारा खर्चा मेरी फजूल खर्ची नाल चलता है, यानी कि उधार ते तेरे स्पिंड दे विच सोए मेरे कोई उधार दे सकता, तुसी मेरे चल दे हथां नूं नहीं रोक सकदे। और मैं तेरे पूरे टक्कर नूं रोक सकना। तो क्या जे तू एडी गलत मान दे मेरे सौदे दे पैसे दे दे मैं वापस चला जाना तो फिर मैं कभी नहीं आवां। सुन वड्डी माई मैं 200 रुपए दे सुपे अठां नदी दीआं किताबां नहीं लिजा सकदा, तू ये किताबां दी रद्दी वेच के ना ऐस अपने पुत्र लई सही आउणगे। मम्मी मत खाओ बैठो बैठो, और मैं भी इस घर का नौकर वा लेकिन जरा शाह खर्चा। ओए शाह खर्चा हां मैं तेरा थाने च करावांगा पर्चा, मेरे पे जो उधार दी लत कटवा ली हूं। थानेदार साहब तादे मजबूर थे, मैं पिंड आ गया जे पर मैं अपने आप नूं इत्थे महफूज नहीं समझदा। तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो चौधरी साहब, हीरे नूं गिरफ्तार करने लई तुहाडा तावन बहुत जरूरी है ते असीं तुहाडी जिम्मेदारी लैणी। इह तां गल ठीक है, हीरा छेती गिरफ्तार हो जाणा चाहीदा है, पर मैनूं मौत दे मूंह च क्यों दे रहे हो? आहो भाजी वेखो ना चौधरी साहब दा हाल ते उस गां वर गया जिहड़ा शेर नूं शिकार करन लई दरख्त नाल बन्नी दी है, भावें शेर गां नूं खा जाए। बकवास ना कर, असीं आप शेर हां। ओए ओ तां ठीक है जी भाजी, वेखो ना हीरा ते चौधरी साहब दे मगर हाथ धो के पै गया, ओह ग्रुपिया बन गया, एक बारी शिकरे दी खल पा के हवेली आ गया, उहनूं पुछिआ उह चक्के च की लैणा है, कहण लगा जी मैं चौधरी साहब दी जान लैणी है। मैं कहा पागल दा पुत्तर तूं कुकली
कालीन लै जा, कोई सोफा लै जा, कोई गलीचे, कोई परदे ला के लै जा। चौधरी साहब ने बकार जान लैके की करनी है जी? क्यों जी? सुन लिया जी, थानेदार जी हीरा हवेली भी पहुंच गया। जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाता मैं हवेली नहीं जाना, मैं अपने डेरे से रहूंगा। नूहे को बड़ा खतरा है। ठीक है ठीक है, तुम जिथे मुनासिब समझो उथे ही रहो। मुसल्ला सिपाही तुम्हारी हिफाजत वास्ते इतने रहेगा। हूं मैं चलना, फिक्र वाली कोई गल नहीं। मुंशी जी। जनाब तुम्हें इतने रहना साढ़े को एवं बाई जी भी एक मशुरा मेरे जेहन के वारद हो जनाब। मशुरा एवं कि मेरा ख्याल है कि मैं अपने गरीब खाने च ना रहा। बकवास कर, तू इतने रहेगा। चलना और गल सुन। किसान सदिया तो जिमीदार नूं देंदा आ रहा, असी लोग कर्जा देंदे देंदे मर जाने, पर वो कर्जा फिर भी जीवंदा रहिंदा। तुसी ते कदे भी किसी मिले जान लगे इन्ना नहीं घबराए। मालूम हुंदा है कोई बड़ा खतरनाक मुजरिम है। हीरा। आहो भाईजान, मैं भी तुम्हारे सामने उस मुजरिम को फड़न वास्ते बड़ी पुरजोर सिफारिश करनी सी। तू जानना है? उस पिंड के चौधरी अपने यार ने भाईजान, वो तो उन्होंने लोगों ने मुसलसल खतरा बन गया। मैं बस इन्हें जानना। अच्छा, तेरा हुण की प्रोग्राम है? मैं भाईजान किसी हिल स्टेशन से जावगा, बड़ा थक गया वहां आराम करने लई। पर ड्यूटी इज ड्यूटी। ठीक है चौधरी जी, पिंड के सारे लोगों ने यही कहा कि इन्हों हीरे को सख्त खतरा है। वैसे तुहाडे झगड़े की बुनियाद की है? और जी झगड़े की बुनियाद की दसीए तुहानू? उही गल, ये किसान लोग सातों कर्जा लेंदे ने, रकम ज्यादा हो गई सी, लैन गए सर तो उन्हें बंदा मार दिता। सच्ची तो गल है जनाब, वह मैनू मार रहा सी, पर यह तो रब का शुक्र होया कि मैं बच गया। उस आदमी के नाल तुहाडी पहला भी कोई दुश्मनी सी? जी साडे नौकर का पुत्र सी, घर आके साडी खिदमत करता हुंदा सी जी जनाब, तो बगैर गल ही कोई नहीं सी करदा। इहदा मतलब है कि उन्हूं बहुत ही तंग किया गया सी। जी घबराण की कोई गल नहीं, हीरा खतरनाक मुजरम है, मैं उन्हें जरूर गिरफ्तार करांगा। जनाब जिप्टी साहब, कल मैं जंगल लकड़ियां कटन गया सा, उत्थे मैं हीरे ते हीरे दी पैन लुकिया वेख्या सी। इहदा मतलब है हीरा कितने नजदीक ही छुपया है। इंस्पेक्टर चलो असी जंगल की नाकाबंदी करिए, तुसीं फिकर ना करो चौधरी साहब।
माशाल्लाह देखना जवाना जे तू कवे तो तेरी जोग का बंदोबस्त मैं कर दिया मैं थाने हीरिया तुसी मन पछाने हाँ जदो तेनू वेख्या सी उदो तेरे हाथ में हल दी जंगी सी बंदूक नहीं सी तन दस ना डिप्टी साहब बंदूक क्यों फड़ी सी इन पछान दियो मैं जानना ये तेरी पे ते फिर तुसी ये साहब मैं ओ किसान पुत्र हाँ जिन्हें हल का पार अपने मोढ़िया से चुक के हलवा के बखाता सी ये मैं वेख्या सी तुसी ये नहीं सी ते भोला होके नौकरी कर जा रहा अपने हाकम चौधरिया दी कदी सिर नहीं सी चुकया उना जालमा ने मेरे डंगरा दी जोग खोली मेरे खेत नू एक कतरे पानी तो तरसा दिता मैं ता ही चुप रहा फिर तुसी ये नहीं सी वेख्या डिप्टी साहब उस जुल्म दा वध्या हाथ मेरी इज्जत तक पहुंच गया फिर मैं चुप ना रह सकिया बेगैरत नहीं सा जी मैं अपनी इज्जत बचान ली अपने प्यू दे कातल नू गोली मारी ते मर कोई होर गया ओ बेगैरत अजे तक जिंदा है ते कानून मैनू गिरफ्तार करना चाहते आहो मैं तेनू गिरफ्तार करना आया नहीं डिप्टी साहब नहीं इस भैन की खातर ते मैं अपने प्यू दे कातला को बदला नहीं रह सकिया ते गिरफ्तार किस तरह हो जावा मैं जानना तू बेगुनाह है तू गिरफ्तारी दे दे मैं तेरी हर मुमकिन मदद करूंगा ते फिर इस भैन का दूजा हीरा भरा तू लभ दे ते हथकड़ियां मैं लवा रहा औखा सवाल करता है ना तां सोचन लग पे जे गुड्डो दा भरा मैं बन जावां ते फिर गुड्डो अज तो तू एक हीरे दी भैन नहीं दो भरावां दी भैन है मौत भी कबूल कर रहा था हूं हथकड़ी की लोड़ नहीं हिरिया आ मेरे नाल वीरा फिक्र ना कर गुड्डो जदों भी तू आवाज मार के वीर नू याद कीता जेल दिया कंधा ते की मैं कबर दी कंध तोड़ के तेरे को पहुंच जाऊंगा बेगम ऐ वेखो मैं ताड़ी ती गुड्डो वास्ते की चीजा लेके आए सिर्फ चीजें ही नहीं ऐ घर भी तो उसे दाए ऐ चीजा पहला इस घर च नहीं सन गुड्डो नाल वाले कमरे च गुड्डो गुड्डो ऐ वेख तेरे वास्ते किनिया चंगिया चंगिया चीजा लेके आया हूं ए देख ए है ने साड़िया ओए अच्छा भाई असि आप दस दें कि ए पजेबा ने लहरा चुका लिया साड़ी भैन को पूछ लिया ही रहा असि इनू मां प्यो जाया भरा लगे कि नहीं क्यों गुड्डो मां प्यो जाए को भी कोई सका रिश्ता हो सकता है तो यह भरा मैं वह वीर लगा है तो हूँ साढ़े को पूछ असी इन जो खुश करने की कोशिश की इन्हें सानू रवा दिता भरा तो तू कदी नहीं सी रवाया गुड्डो कप्तान वीर ने क्यों शिकायत की है इना थोड़ा हौसला है वीर वे आप नहीं रोए हालांकि तेनू ते मैनू वक करने लोगों ने लोहे की कंध मार ली गुड्डो तू मैं अपने को वक्त दूर न समझी कसम है मैंने पैदा करने वाले दी तू जो भी वीर का नाम लैके आवाज मारी मैं इस लोहे की कंध न चीर के भी तेरे को अपड़ जा कंध चीरन की लोड़ नहीं हिरे खुदा ने चाहे तो इस मुकदमे का फैसला साढ़े हक च होगा मैं इस केस की पैरवी का सब इंतजाम कर लिया जनाबे वाला
मुलजिम हीरे के हक में कोई एक भी गवाही ऐसी नहीं मिली जिसे मुलजिम बेगुनाह साबित हो सके। गवाह के बयान के मुताबिक मुलजिम हीरे ने अपने उस मोहसिन अजीज को कतल किया जिन्हें हल वाड़ लिए डंगर खरीद दिते काश लिए अपनी जमीन दिती अपने मालिक के एहसान का बदला दिता कि बेगुनाह कतल करने बाद बारहा अपने मोहसिन कतल करने की कोशिश की। जुनाबे वाला मैं अदालत अगे दरखास्त करूंगा कि इस खतरनाक मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाए। जज साहब हुक्म सुनाने तो पहला अदालत इंसाफ की कुर्सी से बैठे हुए हाकम अगे एक पैन भी कुछ अर्ज करना चाहती है। इजाजत है वकील साहब एक सवाल मैं पूछ रही हूं कानून को जेड़ी ती भैन अपने घर कली बैठी होवे ते इस तरह के दाखो ओदी इज्जत लुटन आ जान ते कानून मौके दे गवाह मांगे ते मैं दसो वकील साहब वो मजलूम इज्जत के दाखो नु गवाह बनाए या उस वीर नु गवाह बनाए जेड़ा भैन की इज्जत बचाने की खातिर आप कटहरे चा खलोता है या ती की इज्जत पिछे कतल होने वाले प्यो नु गवाह बनाए जिदी कबर का जालमा ने निशान भी नहीं रहन दिता। जज साहब दूजा सवाल मैं इन्हें मौके दे गवाह वास्ते कर रही है जे इन्होंने इज्जत का डाकू कतल होता वेख्या तो फिर इन्होंने इज्जत दौल बदल वाला हक ही वेख्या होना पर इज्जत गरीब दी सी हद दौलत वाले दा सी दौलत वाले हाथ ने गवाहियां बना लिया तो गैरत वाले हाथ में हथकड़ियां लग गई। जज साहब एक भैन हाथ जोड़ के अर्ज करती है एक गैरत वाले वीर नु सजा का हुक्म सुनाने तो पहला ओदी जवान इज्जत ने कोई एहोजी सजा दियो कि वो वीर तो पहला मर जाए वीर तो पहला मर जाए। जनाबे वाला मैनू भी कुछ अर्ज करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है जनाबे वाला डिप्टी साहब ने मुलजिम हीरे को गिरफ्तार किया है एक ही सफाई के गवाह किस तरह हो सकते हैं। अदालत इन्हें गवाह तलब कर सकती है तुम्हें इजाजत है। जनाबे वाला मुलजिम नु गिरफ्तार करके अदालत विच पेश करना मेरा फर्ज सी ते खामोश इसलिए सा कि शायद इन्हां गवाहां विच कोई हक सच दी गल करे ते बोलना इसलिए पिया है कि मैं मुलजिम नु उदों दा जानना वा जदों ये धरती दे सीने ते हल वाहुंदियां गांदा हुंदा सी जिन्ना चिर धरती थले आसमान दे उन्ना चिर हल रुकणे नहीं किसान दे ते उस कच्चे रस्ते तो लंघदिया मैं कई वारी सोचिया सी कि मेरे देश का किसान अपनी मेहनत नाल आने वाले चंगे दिनों के ख्वाब पिया वेखता है ते जनाबे वाला फिर मैं ये भी देखिया कि जिन्हां डंगरां नाल हल वाहुंदा हुंदा सी ओ इहदे कोलों खोह लिते गए इन्हें हल फिर भी नहीं रुकन दिता बाइज्जत जिंदा रहन लई उस हल का बोझ अपने मोढ़ियां ते चुक लिया ते हल वाह के विखा दिता। मैनू यकीन है उन्हां जख्मां दे निशान अज भी इहदे मोढ़ियां ते होणगे। इम्पासिबल नामुमकिन जनाबे वाला एक इंसान और हल्दा बोझ अपने कंधे उठा के चला है इंसानी अकल इस गल को तस्लीम नहीं कर सकते। मैनू वेख के यकीन नहीं सी आया तुसी सुन के किस तरह यकीन करोगे पर मैं तानू यकीन दिलाना वकील साहब के हल्दा भार किसान दी उन्हां मजबूरियां तो ज्यादा नहीं जेड़ा उस सदियां तो नसल दर नसल अपने मोढ़ियां ते चुकी फिरदे ने। जनाबे वाला फैसला सुनाने तो पहला यह सोच लेना कि मुलजिम एक किसान का पुत्र है एक मजलूम दा खून है इस किसान दा खून पसीना और सोना है जेड़ा मेरे देश की खेतियां का गहना है ये खून साडा सरमाया है पर जदों जुल्म अपनी हदा तो वध जाए ये खून कई शक्लां बदल लैंदा है ये खून नारा बन जाता है जिन्हों कोई नहीं दबा सकता ये खून शोला बन जाता है जिन्हों कोई नहीं बुझा सकता ये खून जदों जुल्म के खिलाफ उठता है तो किसी संगीन नाल नहीं रोकया जाता। जज साहब दौलत नाल गवाहियां खरीदियां गई ने मैनू इजाजत दी जाए कि मैं हीरे की सफाई विच गवाहियां पेश कर सकूं हो सकता है कि मैं एक बेगुनाह नूं बचा लूं। मुकदमे की समाप्त आइंदा तारीख वास्ते मुलतवी की जाती है।
मैं पूछना किसी ने हां तो नहीं की थी। मैं दसना किसी ने ना भी नहीं की थी। सारे बुत बन के खड़ोते हुए सन। ओ जे ना बुतों विचों किसी ने बोलने की कोशिश की थी ते मैं उदे साह पी जावांगा। पर चौधरी साडे कोलो एक भूल हो गई है, सानू डिप्टी दे भरा दा नाम भी गवाह च लिखवाना चाहिदा सी। ओ गरीबू दा असल कातल ते ओही है। हां समझ गया, पर इस नुकरे ते कदी मैं तक्या भी नहीं। पर बाऊ यार भी ते है तुहाडा। ओ नहीं ओए यार, ही उदों तक हुंदी है जदों तक आपणे उत्ते पसूड़ी ना पवे। जे मैनू कोई तकलीफ हुई तो मैं किसी साहब का लिहाज नहीं करांगा। सारी जिंदगी मुकदमे च गुजरी है चौधरी साहब, उसका भरा डिप्टी है, उन्हें ताड़े साहब यार नू सुल्तानी गवाह बना के तो तानू फाइल लवा देना। ठीक है, असी उखड़ गए सा। ओ बिस्मिल्ला डिप्टी साहब, सत बिस्मिल्ला, तो तुसी गवाह क्यों खड़काया? ये तो घर भी ताड़ा है तो जगह भी ताड़ी है। आओ बैठो। बैठना नहीं चौधरी, गल करन आया। गल ठंडे दिल नाल बैठ के करी दी है ते खलो के तकरीर करी दी है जेड़े तुसी पिंड च कर आए हो। बैठो गल करने आ। गवाहियों दे बारे च गल करन आए हो गए? आहो चौधरी, मैं गल लंबी नहीं करनी। जे तुहानू पता लग गया कि मैं गवाहियां खरीद लिया ने ते सच है, असी ते होर भी बहुत कुछ खरीद सकने हैं, कोई विकण वाला तो होवे। चौधरी गल ठंडे दिल नाल सुनदी है डिप्टी साहब, जे असी मन भी जाइए कि असी बंदा कतल किया है तो ताड़ी ते गवाही की कोई अहमियत ही नहीं। जे तुसी जिम्मेदार भरा बन के साडा कातल मेरा भरा भी होवे तो नहीं छड्डांगा, सिर्फ ये याद रखी। दिल भरा भी हो नहीं छड़ांगा, भरा कितने? मेरी अच्छी भाभी जान, मेरी अम्मी। वाह शरीर है तू, इना दिन कितने रहा है? चल बैठ, मैं तेरे वास्ते चाह बना के ले आनी हूं। हेलो भाईजान। हेलो, तबीयत तो ठीक रही है तेरी? वेरी हैप्पी। पर भाईजान तुसी इन्ने परेशान क्यों हो? हाँ वो हीरा टिकेट फड़िया गया? हाँ यार, हीरे दी परेशानी है। हीरे दी परेशानी? ओके। उस जवान नू एक कॉल दिता है ते उन्हें साढ़े कहन ते गिरफ्तारी दे दी, ते असी उहदी भैण नू भैण बना के घर लै आए हां। क्यों ठीक है ना अफजल? ठीक है भाईजान, ये तुहाडी अपनी सोच है। जे तू इत्थे आ गई है ते कन खोल के सुन ले, डीएसपी मेरा सक्का भरा है ते तू दी मुंह बोली भैन, मैं उहदा कल्ला कल्ला भरा वां ते कोई भरा मुंह बोली भैन दे पिछे अपनी बाहर बट लैंदा। समझ गई हां? समझ गई है ते सुख दा साथ तैनू ता आ सकदा है कि तेरी जुबान ते मेरा ना ना आवे, नहीं ते अफसर गुड्डो नु मिले? हाँ भाई साहब, बड़ी अच्छी लड़की है। बड़ी अच्छी लड़की नहीं, बहुत अच्छी भैन है। और तू परेशान क्यों हो गया? कुछ नहीं भाई साहब, कुछ भी तो नहीं। की गल है गुड्डो?
गुड्डू बोलती क्यों नहीं? समझ लो वीर फिर याद आ गया है। सामने उस मुजरम नु फड़न वास्ते बड़ी पुरजोर सिफारिश करनी सी। तू उन्हें जानना है? उस पिंड दे चौधरी अपने यार ने पाए जान वो ते उन्होंने लोगों ने मुसलसल खतरा बन गया। मैं बस इन्हें जानना गुड्डो नु मिले। हाँ भाई जान बड़ी अच्छी लड़की है। बड़ी अच्छी लड़की नहीं बहुत अच्छी बहन है। और तू परेशान क्यों हो गया? कुछ नहीं भाई साहब कुछ भी तो नहीं। मेहरबानी नाल तू रिहा हो जाएगा। की कह रहे हो साहब जी किधरे थक तो नहीं गया? नहीं हीरिया थकेवें लैन का वक्त नजदीक आ गया है। दवाइयां लभदा फिरदा सा तो मुजरिम ही हथ आ गया। मैं पागल हो गया चौधरी हीरा भाई जान का भरा बन गया तो गुड्डो अपनी पैर बना के कर लिया है। मुझे किसी ने भी मेरा ना ले सकती और मेरा पाऊ साहब यार हथों कोई नहीं कर सकता। गरीबू के कतल के मौके की गवाह तेरी जित तेरी अड़ी और तेरी पसंद वो मचाल उठे नहीं रहनी चाहिए। मचाल उठे नहीं रहनी चाहिए और नाल तेन भी गायब होना चाहिए उस वेले तक जब तक हीरा पाए नहीं लग सकता। आखिर यार है ना सारिया परेशानियां दूर कर दीतिया ने। वे मेरे वीर दिया प्रावा मैं ते तेरे खिलाफ जबान भी नहीं सी खोली फिर की मेरे वल बदन लगते हैं। अगे ना बदी वे पहला मेरा एक वीर सी उन बाज मारा कि तो दो भी गुड्डा तुसी सारे गुंगे क्यों हो गए हो? बल्दी क्यों नहीं बेगम? मैं जे सिर ते अपने खानदान की इज्जत का पर्दा देके गया था और सिर किते ने? मैंने नहीं पता मैं ते बा...
हुई था। नौकर कहते ने अफजल आया सी। अफजल आया सी। अफजल Thank you.
ਮੰਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁੱਡੋ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਹੀਰਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੀਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਡੋ ਦੇ ਭਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਵਾ ਲਾਂਗਾ। कानून के मुहाफिज डिप्टी साहब ने असल मुजरिमों की निशानदही करके कानून में एक नई जिंदगी बख्शी है। मुलजिम हीरे को हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत अदालत बाइज्जत बरी कर दी है। वीरा, वीरा।